हेलो नमस्ते टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। तो आज दिन है सोमवार और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो हम सब का मॉर्निंग हो गया है, यहाँ पे हम सब उठ गए हैं। अभी ना सुबह का बज रहा था 4। तो आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो एंजॉय करिए। अभी ना पूरा अंधेरा ही है, तो थोड़ा देर ना टहला बाउंड्री में, फिर ना आ गई हूँ कल पे। यहाँ पे मैं धो लेती हूँ अच्छा से, मुँह हाथ ना अच्छा से धो लेते हैं। आ कल से पानी ना पूरा ठंडा ठंडा निकल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। टंकी का पानी होता ना गर्म निकलता नहीं, पूरा पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा से फेस को धो के, और सुबह सुबह था ना थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे धो लेता है, ऋतिक भी मुँह धो लेता है। सब बच्चा को भी ना मैं उठा दिया हूँ, क्योंकि ये लोग का जो क्लास होता है ना स्कूल 6 बजे से ही है। तो अभी जो उठ जाएगा ना तो थोड़ा देर पढ़ाई भी कर लेगा, नहाना भी होगा, रेडी भी होना होगा, तो आराम से हो जाएगा। फिर से अच्छा से हाथ मुँह धो के ना यहाँ पे पिया ठंडा ठंडा पानी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने मिल के ना अच्छा से हाथ मुँह धो लिया। यहाँ पे देखिए रैम्बो को, हम लोग को जो आया ना तो ये भी आ गया है। यहाँ पे बैठ के ना ये भी ठंडा ठंडा हवा खा रहा था और बोला यार कल पे मुँह धो देता है, पर नहीं आया। पानी से इसको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, दूर से ही भाग रहा था, तो फिर छोड़ दिया इसको। और उसका बेल्ट भी नहीं लगा हुआ था तो मैं इसको नहीं धो पाई। यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा ही अभी है, चलो अंधेरा है। यहाँ पे देखिए मैं रुक गया तो ये भी रुक गया, क्योंकि मम्मी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं जैसे अंदर गई तो फिर ये भी अंदर जा रहा है अभी। इसको तो गेट खोलने आता नहीं है, तो बेचारा गेट पे खड़ा हुआ है कि तुमको गेट खोल के दे तो मैं अंदर घुसूँ। तो यहाँ पे चला गया है। फिर मैं गेट को भी लॉक कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना 4 बज रहा था, अंधेरा ज़्यादा था तब तक ना। ऐसे भी तो घर का ही काम करना है, जब तक घर का काम जो करूँगी ना तब तक ना ऐसे भी फ्रेश हो ही जाएगा, तो इसलिए लॉक कर दिया हूँ। यहाँ पे ना मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा तेल, क्योंकि आज ना मंडे है तो मुझे बाल भी धोना है। और मेहंदी लगाई थी तो मैं शैम्पू नहीं किया था, ऐसा ही सिर्फ पानी नॉर्मल पानी से मैं धो लिया था और शैम्पू नहीं किया था। तो आज मैं अच्छा से तेल लगा ले रही हूँ बाल में, उसका बाद मैं धुलाई करूँगी। तो पहले तेल लगा लेते हैं, तो जब बाकी का काम फिर मैं करूँगी, क्योंकि थोड़ा अपना भी ये तेल थोड़ा सा ना अपना काम भी करे। नहीं तो ऐसा होता है ना कि फटाक से लगाओ फटाक से नहाने जाओ, फिर वो कोई काम का नहीं होता है। तो यहाँ मैं अच्छा से तेल लगा लिया हूँ पूरा बाल में, अच्छा से मसाज करते हुए। हाथ में जो तेल लगा था ना उसी तेल से ना अच्छा से फेस में हाथ सब में अच्छा से लगा लेती हूँ। पूरा ना अच्छा आराम मिलता है इसे लगाने से। यहाँ पे यहाँ से हो जाता है मेरा सुबह का काम स्टार्ट। सुबह सुबह उठने का ना मज़ा ही कुछ और है, मतलब पूरा ना शांति लगता है। बाकी का सारा मतलब आदमी सोया रहता है ना तब हम काम करते हैं, मतलब पूरा ना साइलेंट रहता है, पूरा अच्छा लगता है काम करने में। इस टाइम में पूरा आराम से शांति से अपना जितना भी काम हो आप कर सकते हो, कोई टोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता। इस टाइम में अच्छा से ना शांति से ना कर पाते हो काम। यहाँ पे देखिए मेरा बच्चा लोग कर रहा है पढ़ाई, तो बाकी सब उठा है, 2 ठोना भी सो ही रहा है। तो वो भी ना थोड़ा देर के बाद उठ गया था, पर अभी यही लोग अभी पढ़ रहा है। तो चलिए मेरा झाड़ू ना सब घर ने मैं लगा लिया हूँ, झाड़ू लगा के मैं यहाँ पे ना उठा लेती हूँ अच्छा से झाड़ू मार के। बाहर में अभी तक ना अंधेरा ही है, बाहर में भी ना झाड़ू मार के ना एक बाल्टी पानी से ना अच्छा से बरंडा सबको ना धो लिया हो। फिर ना मैं आ जाती हूँ किचन में। तो बोले थे ना बच्चा लोग को 6 बजे स्कूल जाना होता है, तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। यहाँ मैं बनाऊँगी भुजिया, पत्ता गोभी का भुजिया और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा रख के और मिर्ची और प्याज रख दिया हो, और थोड़ा सा भुजिया रख दिया हो पत्ता गोभी और नमक हल्दी डाल के ना अच्छा से ना उसको मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। फिर ना इस तरफ रख देते हैं करा को, इस तरफ रख देते तवा को। और फिर मैं इस तरह बना लूँगी रोटी। हाँ बीच बीच में ना सब्जी को भी मैं चेक कर रही थी, तो बस थोड़ा सा गल के हुआ था, बाकी बच्चा लोग को हो गया था। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट करके रोटी, ऐसे देरी तो नहीं हुआ था। अगर जल्दी उठो ना तो कोई भी काम ना परफेक्ट टाइम पे ना हो ही जाता है।
और देरी उठने से क्या होता है ना, जल्दी 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 करो, मतलब फिर भी कोई काम सही से नहीं होता है। लेकिन तो 3 ठो बच्चा जाएगा अभी और 3 ठो जाएगा बाद में, 10 बजे जाएगा, 10:30 में जाएगा, और ये 3 ठो जाएगा 6 बजे। तो यहाँ पे ना मेरा रोटी भी हो ही गया है, मैंने लगा दिया था नाश्ता, और बच्चा लोग भी ना रेडी हो गया था। तो बोल तो रहा था नहीं खाएगा, क्योंकि सुबह सुबह ना पता नहीं खाने को मन नहीं करता है किसी को भी इतना जल्दी, सुबह 6 बजे नहीं खाने को मन करता, लेकिन फिर भी बोला एक एक करके भी खा लो। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ और दे देती हूँ बच्चा लोग के खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए खा लिया है ये लोग ने नाश्ता, और अभी निकल रहा है स्कूल के लिए। तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो अभी चला जाएगा। ये जिसको देखिए कुछ कुछ ना बोल रहा था, हंसी लगा रहा था सबको। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, यहाँ पे मैं बनाऊँगी चाय, लाल चाय। तेल में पानी रख दिया हूँ, नमक, चीनी और दालचीनी, अदरक रख के ना मैं उबाल लिया हूँ चाय को। फिर से मैं एक साइड ना सब्जी बनाने के लिए, खाना के लिए मैं रेडी कर देती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं आलू लगा दिया हूँ, उबलने के लिए रख दिया हूँ आलू को। तब तक मेरा बन गया है चाय, तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। नाश्ता ना लगा दिया है बच्चा लोग के लिए खाने के लिए, पर बेटी ने बोला नहीं खाएगा, मुझे पूजा करना है, पूजा करके मैं खाऊंगी। बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे भी इतना जल्दी नहीं खाता है। तो रख दिया उसको ले जाके। फिर रैम्बो भी नहीं खा रहा था, रैम्बो क्या मैं खिला रही थी, तो ये भी ना अपने से नहीं खा रही थी, उसको भी मन नहीं था खाने को इतना जल्दी। तो मैं रोटी दे रहा था पर वो नहीं लिया, नहीं तो क्या करता है ना खुद से लेके कहीं पे बैठ के वो खा लेता है। पर ये ना मुँह घुमा रहा था, मुँह में ले रहा था छोड़ रहा था, ले रहा था छोड़ रहा था। फिर मैं खुद से ही ना बैठ के मैं खिला दिया इसको। तो ये 3 बच्चा में से 2 नहीं खाया, दोनों बोला नहीं खाऊंगी, 1 बोला मुझे पूजा करके खाऊंगी, 1 बोला नहीं खाना है। बस अभी पिंटू यहाँ पे खा रहा है, ये बोला खाएगा। फिर ना मैं नहा के ना आ जाती हूँ, माँ की जितना भी काम था ना, बाथरूम का भी था, उस किचन का भी था, जो बच्चा लोग खाया था नाश्ता वास्ता, वो बर्तन सभी धो धा के अच्छा से मैं नहा के आ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ महावर। तो आज कौन कौन व्रत किए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम ना बचपन में बहुत किए हैं, पर अभी इस बार नहीं कि इस बार भी नहीं किया और अगला बार भी नहीं किया। ऐसे मैं नहा के ना पूजा कर लेती हूँ, पर मैं उपवास नहीं रखती हूँ। चलिए कोई नहीं, अब बेटी का करने का टाइम आ गया है। फिर से मैं ना आ जाती हूँ किचन में। यहाँ पर देखिए किचन का मेरा पूरा अच्छा से मैं साफ करके मैं नहाई थी। यहाँ पे लगा देती हूँ चावल। तो ये भी ना नहाने से पहले ही मैं लगा धो के रख दिया था कि थोड़ा देर ना फूलने के लिए इसको टाइम मिल जाए। तो यहाँ पर मैं सेट कर देती हूँ। और फिर ना आलू को भी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो आलू अच्छा से उबल के ना ठंडा हो गया है, तो मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी ना ये लोग को भी इसके लिए मुझे खाना के रेडी करना है, ये 3 बच्चा के लिए 10 बजे जाएगा। और फिर वो लोग जो आएगा तो उसको तो भूख लगा रहेगा, और ये जाएगा तो ये भी तो खा के जाएगा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मैं खाना भी बना दे रही हूँ, क्योंकि दोनों का काम हो जाए। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ दाल। तो दाल ना मैं आज बना रही हूँ मूँग का दाल। तो दाल लगा दिया हूँ, और यहाँ पर ना छोटा कढ़ाई में थोड़ा सा तेल था ही, तो फिर से इसी को रख के ना मैं थोड़ा सा ना चिप्स में तर भूज लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा लोग ने बहुत पसंद करता है और मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ पर चिप्स भून लिया हो और थोड़ा सा तेल ना बच गया था, तो उसी तेल में ना उसी कड़ाह में ना थोड़ा सा मैं सोयाबीन को भी भून ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से ना सोयाबीन भून गया है, सोयाबीन को भी ना भून के थोड़ा सा तेल और बच गया था, तो मैं आलू को भी इसी में मैं भून लेती हूँ। तो मैं आलू ऐसे ही मतलब रख दिया हूँ पूरा गोटा गोटा, इसमें फोड़ी नहीं हो क्योंकि भूनने में थोड़ा सा ना ईजी हो, इसीलिए मैं ऐसा ही रख दिया हूँ। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ मसाला का रेडी। तो मैं रख दिया हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और किचन किंग मसाला, सबको अच्छा से मैं पानी रख के मैं मिक्स कर लिया हूँ, घोल बना लिया हूँ। अब फिर से मैं चढ़ा दी बड़ा वाला कड़ाह। तो कड़ाह ना धीप गया है, तो मैं रख दिया यहाँ पे तेल, तेल भी हो गया है गरम, तो मैं रख दिया हूँ तेज़पत्ता, सूखा मिर्ची और थोड़ा सा जीरा, सबको अच्छा से ना भून लेती हूँ यहाँ पे। फिर जो मैं पेस्ट जो घोल के बनाई थी ना उसको रख दूँगी यहाँ पे। और ये तो सूखा मसाला है ना, तो इसी के साथ ना टमाटर को भी मैं रख देती हूँ, साथ में थोड़ा सा नमक,
क्योंकि थोड़ा सा ना गल जाए जल्दी। तो यहाँ पे ना अच्छा से गल गया मसाला, भुन गया, तो मैं रख दिया हूँ सब्जी, सोयाबीन, आलू दोनों को ही रख दिया हूँ। दोनों को मसाला के साथ में ना अच्छा से भून के मैं रख देती हूँ पानी। अब पानी रख के ना फिर मैं रख देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे अच्छा से मैं मिक्स करके ना, देखिए कितना अच्छा है ना सब्जी दिख रहा है। तो फिर ढक के ना पका लेंगे। इस तरफ दाल भी ना हो गया था, तो मैं दाल को मैं देख रही थी, देख के मैं अच्छा से ना गल गया था, मैं हंडी में रख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जी भी हो गया है मेरा, तो आधा घंटा के अंदर में ना मेरा खाना बन के हो गया है रेडी। क्योंकि एक तरफ था सब्जी, एक तरफ था दाल, और राइस कुकर में लगा हुआ था भात, फटक से हो गया है खाना। यहाँ पर मेरे दीका को रेडी करके ना फिर से मैं आ जाती हूँ खाना लगाने के लिए, क्योंकि घर जाने का ना टाइम हो रहा था, तो जल्दी जल्दी खा के अपना चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ खाना, दाल भात सब्जी चिप्स। तो आप सभी आ जाइए खाने के लिए, गरम गरम खाना है रेडी। तो यहाँ पे देखिए बच्चा लोग होके खाना भी खा लिया है और रेडी होके निकल रहा है। देखिए यहाँ पे सब अपना जूता मोजा सब पहन रहा है, और गर्मी ना आज बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो चलिए, मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय के लिए, थैंक यू, बाय बाय।